एवरीवन एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। आज मैं आप लोगों को फ्रेश रेड चिली का अचार बनाना बता रही हूँ। भरवा अचार जो है स्टफ्ड रेड चिली का बहुत पहले भी बना करके दिखाया है, लेकिन आज मैं आपको एक अलग तरीके से आंध्रा स्टाइल से बना करके दिखाती हूँ। वैसे आजकल फ्रेश चिलीज मिल रही हैं जो ये सीजनल होती हैं, तो आप इसको अलग अलग तरीके से बना करके खा सकते हैं, क्योंकि ये रेड चिलीज या ग्रीन चिलीज उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होते हैं, और विटामिन सी होने की वजह से ये हमारे आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा आई हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। ये जो है आर्टरीज के ब्लॉकेज को भी कम करते हैं, तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इतने सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन सी है, और इसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं, तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन आपको चिलीज बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे एसिडिटी भी हो जाती है और कुछ लोगों को अल्सर भी है, तो ये अल्सर और इस हाइपर एसिडिटी के जो मरीज है इसका उतना ज़्यादा सेवन ना ही करें तो अच्छा है। टुडे आई एम गोइंग टू मेक रेड चिलीज पिकल फॉर ऑल ऑफ यू इन आंध्रा स्टाइल। इन इंडिया इन एवरी स्टेट वी मेक पिकल, बट देन everybody makes in a different way. I have already made stuffed red chili pickle long back. Today I am going to make Andhra style red chili pickle for all of you. This chilies, it is very nice to have it because it contains lot of vitamin C, and it takes care of common cold and flu, and it is very good for the eyes and it improves our eye health. But don't take too much, but if you eat a little every day, it will help you in like it has got anti-inflammatory property. So it is good for the arthritis also, and it helps us lowers our cholesterol as well as regulates our blood pressure. So actually there are a lot of good properties in it, so we must consume it in a different ways. So let's see what all things are required to make it and how do I make it. ये लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम का लाल मिर्च लिया है। These are fresh red chilies, 300 grams. This is 50 grams of tamarinds. ये इमली है जिसको मैंने भिगा लिया है। आई हैव ऑलरेडी डीसीडेड इट एंड सोक्ड इट इन वाटर। दिस इज टैमरिंड 50 ग्राम्स। एंड फॉर द मसालास नाउ आई विल रिक्वायर दिस एसाफेटिडा, ये एलजी का हींग है। ट्यूमरिक आई विल बी यूजिंग इट लिटिल बिट, वो हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दो छोटी चम्मच हरी सौंफ है। दिस इज फेनल सीड 2 टीस्पून। 1 टीस्पून आई विल बी यूजिंग ये मेथी है जो 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे हम। सॉल्ट टू टेस्ट एंड दिस इज ब्लैक मस्टर्ड, दिस इज ऑल्सो 2 टीस्पून। मेथी मीन्स फेनग्रेनिक सीड, 1 टीस्पून फेनग्रेनिक सीड। आई एम गोइंग टू रोस्ट इट एंड मेक अ पाउडर ऑफ ऑल दिस मसाला। एंड नाउ दिस इज माई होम मेड पिकल मसाला। आई विल बी गिविंग लेटर द रेसिपी ऑफ दिस पिकल मसाला। नाउ आई रोस्ट दिस मस्टर्ड सीड एंड फेनग्रेनिक सीड एंड देन मेक अ पाउडर ऑफ इट, एंड सेपरेटली आई पाउडर दिस फेनल सीड ऑल्सो। ये जो सौंफ का पाउडर हम अलग से बना लेंगे, इसको रोस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो इसकी खुशबू निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये इमली को आप भिगा के रखिए 15 से 20 मिनट तक, इसकी बीज निकाल लीजिए। आई हैव ऑलरेडी सोक्ड इट फॉर 15 टू 20 मिनट्स। दिस इज टैमरिंड एंड डी सीडेड इट। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन मिक्सी, चॉप एंड मेक अ पेस्ट ऑफ इट। नाउ यू सी टैमरिंड एंड fresh red chilies, I have already made a paste of it, and in it I am going to add 1 teaspoon of salt, and just for marination I'll transfer it in some other vessel and just leave it for 2 days for getting it marinated properly. By the time I'll see at least 3 pods of garlic is also required in it, so I'll just leave it for 2 days. By the time I will make my masala after roasting this methi or raiko, abhi hum roast karenge aur roast karke iska powder bana lenge. I'm going to roast this fenugreek seed which is 1 teaspoon and 2 teaspoon of black mustard. I'm going to roast it and make a paste of it, and separately I'm going to
powder it the fennel seed. I'm not roasting it together because it will leave its aroma while roasting it. So I'm going to just make powder of it separately. ये soft बड़ी soft को नहीं roast करते हैं, इसका वैसे ही दो चम्मच जो है हम इसका powder बना लेंगे. चलिए बाकी की तैयारियां करते हैं. ये जो मेरी मिर्ची है जिसको मैंने इमली के साथ पीस लिया था भिगो करके, और ये fresh chilies है, ये दो दिन से काफी अच्छी तरीके से ये marinate हो गई है. Now let's get started. Now the tamarind as fresh red chilies which I had grinded together and added salt in it. Now for 2 days I kept it for marination. Now I'll start tempering it. Whenever you make pickle, it is a must that you use mustard oil because it tastes better. Now 1/2 cup of mustard oil because its shelf life will increase and taste better with the mustard oil. So I'm heating the mustard oil properly, but make sure the mustard oil, you know, is cooked properly, all the fumes and its pungency goes. Then only we'll start tempering it. आप इतना ध्यान रखिए कि इसको सरसों के तेल को बहुत अच्छी तरीके से इसको धुआं निकलने तक पका लेना है, क्योंकि इसकी जो पंजेंसी है वो निकलना जरूरी है. अच्छा, यहाँ मैंने मसाला तैयार किया है. इन दिस आई हैव टेकन 2 spoon of whole coriander, 1 spoon cumin seed, 1 spoon fenugreek seed and black mustard. All this I have roasted and grinded it. इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच काली सरसों पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसको अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड करके मसाला तैयार किया है. नाउ द मस्टर्ड ऑयल has got heated up nicely, so now either you switch off or put the flame in very low. अभी देखिए धुआं निकलने लगा है, इसलिए हम गैस को थोड़ी देर बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें मसाला जलाना नहीं है. अब इसमें 1 teaspoon of fenugreek seed, ये मेथी है. I switched off the gas. Now 1 teaspoon of black mustard. This is fennel seed, ये soft डाल रहे हैं 2 चम्मच. आई एम एडिंग दिस गार्लिक, पील्ड गार्लिक. मेक श्योर दैट द गैस स्विच इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज नाउ द ऑयल इज वेरी मच हीटेड अप. यू डोंट वांट द मसालास टू बी बर्न. एड 1/2 teaspoon ऑफ ट्यूमरिक. देखिए हल्दी डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच. नाउ एड द चिली पेस्ट एंड टैमरिंड पेस्ट. नाउ 1/2 teaspoon आई एम एडिंग एसाफेटिडा, या 1 छोटी चम्मच या आधी छोटी चम्मच आप हींग डाल दीजिए. तेल काफी गर्म है, इसमें ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा. नाउ आई स्विच ऑन द गैस एंड पुट इट इन लो फ्लेम. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. नाउ इन लो फ्लेम कुक इट फॉर 4 to 5 minutes. रिमेम्बर आई हैड मेड फेनल सीड पाउडर, ये सौंफ का पाउडर है, इसको भी 1 चम्मच डाल दीजिए. ये this is not roasted. Now this masala which I have made at home, now 2 small spoon or 2 teaspoon. Now check the seasoning. आप नमक चख लीजिए और फिर अगर जरूरत है तो थोड़ा सा एड कर दीजिए. अब इसको बहुत स्लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे. In India we have so many different states and the food culture is also varies from one state to another state. So this is Andhra special. वैसे पूरे हिंदुस्तान में अचार बनाते हैं, मिर्ची का अचार बनाते हैं, लेकिन ये हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बनाने का तरीका अलग है और इसका स्वाद भी अलग होता है. नाउ आई एम एडिंग वेरी लिटिल सॉल्ट इन इट बिकॉज इट रिक्वायर्स सॉल्ट. सो यू हैव टू चेक, पहले आप चेक कीजिए, क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन के टाइम पे ऑलरेडी नमक डाला था, तो आप उसको देख लीजिए, चख लीजिए और उसके बाद ही डालिए. तेल काफी भरपूर होना चाहिए. अगर आप ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे मसाले का जो प्रोपोर्शन है उसको डबल कर दीजिए. इट इज एक्सट्रीमली टेस्टी. और अभी ये ठंडी के सीजन में लाल मिर्च फ्रेश मिलती है, तो बस आप कभी भी इसको बना सकते हैं. चिलीज आर ईदर रेड और ग्रीन, दे हैव गॉट लॉट ऑफ विटामिंस एंड एंटीऑक्सीडेंट इन इट्स. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर आई हेल्थ. इट इम्प्रूव्स आवर आई हेल्थ एज वेल एज it has got anti-inflammatory properties, so it also help us in arthritis. So it is good to eat chilies in different form. Now this is ready to serve. Once it becomes cool down, then I'm going to bottle it up and keep it up. I'll wait till it's cool down and then I'll put it in a jar.
ठंडा होने तक आप इसका इंतजार कीजिए, गैस को हम बंद कर देंगे और फिर ठंडा होने के बाद इसको आप जार में भर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए।